आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ रामांशु सर हैं। जैसा कि आपको मालूम है फाइनल आंसर की दे दिया गया है, फिर भी कई सारी अशुद्धियां हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर बार बार कॉल कर रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे, तो सर से मैं कई सारे बातचीत करूंगा। बहुत सारा TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में क्या क्या सुधार होना चाहिए, अभी आप देखिएगा। कई सारे लोग इस मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं, उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पा रही है कि आखिरकार क्या क्या हो सकता है। 20,000 ऐसे बच्चे हैं जो पहले से सिलेक्टेड हैं TRE 1 TRE 2 में, लेकिन इसमें भी आवेदन किए हैं, सेम क्लास में आवेदन किए हैं। कितना संख्या है सब कुछ जानेंगे। रामांशु सर मेरे साथ हैं और फाइनल आंसर के आने के बाद फाइनल कट ऑफ आपका क्या हो सकता है। सर आपका स्वागत है। सर क्या क्या समस्या है TRE 1 TRE 2 में आप जो तुलना किए, TRE 3 में इसकी सुधार क्या क्या की जाए पहले? देखिए कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिससे बात होगी। पहला मुद्दा ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, लेकिन वो उनको जो है अलग अलग दूर दूर भेज दिया गया घर से, तो उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है ताकि हमें जो है घर के आसपास या होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तो इस ऐसे लगभग 10 से 15 हज़ार करीब बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए दोबारा फॉर्म भर गए, तो एक ये समस्या आ रही है। दूसरा क्या है कि कुछ लोग ऐसे थे जो पिछले फर्स्ट और टू में, सर वो तो आवेदन कर सकते हैं, कोई नहीं, आवेदन में कोई दिक्कत नहीं है, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सेम क्लास में जाएं ये गड़बड़ है। अगर वो हायर क्लास में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और हायर क्लास में उनका सिलेक्शन भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम क्लास के हैं और सेम क्लास में जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ऑल उनके सिलेक्शन के लिए जो है बहुत नुकसानदायक होगा। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग जो है BPSC TRE 1 TRE 2 में कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत थे, कुछ फर्जी और टीचर बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट रहे लेकिन कुछ फर्जी लगाए थे, सेलेक्ट हुए लेकिन वो जानते हैं कि अब हमारा आराम से हो सकता है, तो फर्जी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कराया, मतलब सही कराया, फर्जी होता उसको सही कराया, और फिर वो लोग भी फॉर्म भरे हुए हैं, तो कहा जाए कि 10-15 हज़ार वो लोग भी हैं। तो ऐसे कंडीशन में 10-15 हज़ार वो बढ़ गए, 10-15 हज़ार ये बढ़ गए। तीसरा क्या है कि बहुत सारे BPSC TRE 1 हुआ तो मेरी इनकम गई थी, तो बहुत सारे पड़ोसी जो राज्य थे, चाहे UP हो, चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इस तरह के जो है बंगाल वगैरह हो, तो उसके बहुत सारे लोगों ने अपने दोस्तों से कहा, लोगों ने आसपास देखा, रिलेटिव ने देखा कि भाई इनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोगों ने BPSC TRE 2 में फॉर्म भरा जिसको सिलेक्ट बहुत ज़्यादा गया। अब उसमें बहुत सारे लोगों ने डोमिसाइल बना लिया, बहुत सारे चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स को सही चेक नहीं किया गया, तो BPSC TRE 3 हो रहा है तो कृपया उनके डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से चेक कर दिया जाए ताकि उस तरह की सीटें खाली ना रहे। ये तीन तो विशेष मुद्दे ये हो गए। चौथा मुद्दा ये हो गया, जो भी आंसर किया है उसमें बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर 4-5 क्वेश्चन इसमें भी गलत है जिसकी वजह से मेरिट ऊपर नीचे हो सकता है, तो कृपया इस आंसर को दोबारा जो है ऑथेंटिक रूप से चेक कर लिया जाए। अगर लोगों को लगता है कि गलत है तो वो फिर से एक बार दे दें और BPSC भी इस पर विचार कर ले ताकि जो है आंसर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं रह जाए, क्योंकि एक नंबर के मेरिट ऊपर नीचे होने से बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है, बहुत सारे गलत कैंडिडेट आ सकते हैं, बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं। तो ये चार प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर इनको ध्यान देना चाहिए। सर एक और सवाल है, अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं माना जाता तो इसका क्या सोल्यूशन है? आप एक बता रहे थे कि 1.5-2 गुना रिजल्ट दे दिया जाए। देखिए अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं हो रहा तो जो रिजल्ट है उसमें एक तो होता है सप्लीमेंट्री, दूसरा होता है वेटिंग लिस्ट, और एक होता है कि आप जितना रिजल्ट है उससे कुछ ज़्यादा बढ़ा के दे दीजिए, कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं आते हैं या कुछ गलत पाए जाते हैं तो उनकी जगह उन बच्चों को शामिल कर दिया जाए। नॉर्मली जो फाइनल रिजल्ट आता है कहीं कभी आता है तो उसमें नॉर्मली कुछ जो है रिजल्ट बढ़ा के दिए जाते हैं कि अगर कुछ लोग बाहर हुए तो लोग शामिल हो जाएँ, तो उसी को वेटिंग लिस्ट कहा जाता है, और कुछ बाद में अगर तैयारी करें तो उसी को सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं तो कम से कम इन दो मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और कुछ जो है रिजल्ट बढ़ा के शामिल कर दिया जाए बच्चों को, कि अगर वो सीटें खाली रहती तो खाली ना रहे बल्कि उसमें उनको शामिल कर लिया जाए। सर अब फाइनल आंसर क्या आ गया, चूंकि आप बहुत एग्जैक्ट बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी से भी मिलते हैं, कई सारे विद्यार्थी को आप टीचर बना दिए, बहुत सारे विद्यार्थी आपसे मिलने आते हैं, क्या रह सकता है पूछा गया, चूँकि अंतिम समय तक विद्यार्थी चाहते हैं कि सर लोग बताएं, चूँकि अनुभव आप लोगों को ज़्यादा है तो थोड़ा सा 1-5 का ही बता दीजिए। देखिए 1-5 वाले में क्या है कि जो हम लोग बता रहे हैं 75 से 80 तो जिस हिसाब से अभी भी जो आंसर की जारी हुई है और बहुत सारे बच्चों का है कि लगभग 77 के आसपास ऑन रिजल्ट में मेल का, और अगर फीमेल की बात करें तो 70 से लेकर 73 के बीच, एक तो ये हो सकता है। दूसरा EWS की बात करें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो वो लगभग 5-6 नंबर कम होते हैं, तो वो 70 से लेकर 73, और फीमेल की बात करें तो 65 से लेकर 68। इसी तरह अगर आगे सर क्या रह सकता है,
वही अगर हम बीसी की बात करें तो वहाँ 71 से लेकर 74 तक, और फीमेल की बात करें तो 67 से लेकर 70 तक, एबीसी की बात करें तो 68 लेकर 71 और फीमेल में 63 से 66, एससी की बात करें तो 60 से लेकर 63 और फीमेल की बात करें तो उसमें जो है 54 से लेकर 57, अगर एसटी की बात करें तो 54 से लेकर 57 और फीमेल की बात करें 49 से 52 और डिसेबल का जो है 50 से लेकर 53 के बीच, और इसी तरह जो है और भी धीरे धीरे, बस इतना ही काफी होगा मुझे लगता है। कई सारे उर्दू आप लोग जानते भी होंगे, इन लोगों का थोड़ा बता दीजिए, जो कम लोग बताते हैं। अच्छा, उर्दू में चूंकि जो है 7000 के करीब जो है वैकेंसी, जो 14000 बच्चे ही बचे, तो इसलिए उनके चांसेस तो बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो उसमें 63 से लेकर 66 और फीमेल की बात करें तो 47 से लेकर 50 तक, ईडब्ल्यूएस की बात करें उसमें तो 55 से लेकर 58 और गर्ल्स के लिए 55 से लेकर 48, बीसी की बात करें तो 60 से लेकर 63 और फीमेल की बात करें तो 50 से लेकर 53, ईबीसी 58 से 61 और 48 से 51 गर्ल्स का, वहीं एससी की बात करें तो 45 से लेकर 48 और एसटी की बात करें तो 45 से लेकर 48 तक उनका सेम रहता है। मतलब सब कुछ देखा जाए, अगर जांच पड़ताल पहले नहीं होता है तो 20,000 मान लीजिए पुराने विद्यार्थी, 20,000 कॉमन विद्यार्थी, 40-50,000 बीच में भी 30,000 सीट खाली रखा जा सकता है। बिल्कुल, यही हमें लगता है कि सरकार की मंशा भी है कि इसमें जो है 30-35,000 सीटें खाली रख के और बीपीएससी तैयारी फोन भी ला दिया जाए। पता नहीं सरकार इतना कर क्यों रही है, जब अगर नौकरी देने की मंशा तो एक ही बार सबको दे दो, लेकिन एक ही नौकरी को चार बार दिया जा रहा है, चार बार बच्चों से फॉर्म भरा जा रहा है, तो हो सकता है कि अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ना आए और ये सब चीज़ों को ध्यान से ना दिया जाए तो हमें लगता है 30-35,000 सीटें खाली भी रह सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एग्जाम बोर्ड पर रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।